पहुंच गया मामी मंदिर में। हरे भरे पौधे नवादाद मेरा सिस्टर लग गया। तार दी है अपनी शिमला मिर्च ओ की है अच्छे रख दी है मैंने सारे की सारी। हेलो जी राम राम सारे ने तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दादू राम 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 हम घूमने जा रहे हैं आज मंगलवार है मंदिर में भी जाना है और प्रसाद चढ़ाना है और आज मेरा कुछ खाने का मन था। दादू आया फिर दादू कुछ लेके को नहीं आया फिर बोलिया कि ले चलूंगा तेरे को कहा ठीक है ले चल के चलो रेडी पे देखेंगे पहले तेरे को कुछ भी नहीं खाना मैं कुछ नहीं खाएगा ये और मैं पजल हो जाऊं बाहर आके मैं बैठूंगी कौन फिर क्यूकर बिठा लेगा आ जा तो देखो भीड़ है ये आंटी और सारी दादी और बच्ची होगा शंकर है यो है पार्क और इस टाइम तो वहाँ भीड़ लगी यहाँ पे हमने पिया है पानी क्योंकि ग्यारह साल वाली है गर्मी है और सारे धर्म करे हैं पानी पिता में तो भी मैं ले आई शिमला और भिंडी पीछे खुले पुटड़ा रुपये ले रहे खुले जान करके और सब्जी ले ले तो चल पड़े आई कुछ और सामान देना है ढूंढी मैं चीजा खातर इसमें तो बड़ी बड़ी चीज थी है पहुंच गया मामी मंदिर में उसे मंदिर में जो पिछले व्लॉग में देखा होगा था हमने आज मंगलवार है ना धूप मारन और हमारा गोपू पता नहीं एक दिन तो कित गायब हो रहा है ये छोटे छोटे काका कितने आ रहे हैं चीजी नहीं लाए बाबू ये छुटकू हो रहा एक ये बैठा कितने सारे हेलो चल पड़ा धूप मारने जय बजरंगबली जी आ गया मम कर रहा दादू दादू जी मैं बोली कि दादू मैंने बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग रहा है ना बोलिया कल का तेने गोपू कौन दिखता नहीं जाता कल शाम ने गोपू है ना इधर कुत्ते का गला चला गया होगा काम में जाया करा वो मेरे ब्याह का बाद हो गया ही कौन आंडन फिरन नहीं तो वो कई कई दिन दौरे पर जाया करता मेरे दौरे रह जाते तो कल वो घूमने चला गया कुत्ते आ रहे थे उधर लड़ाई हो रही थी तो उनका गला शायद वो चला गया काम में फिर नू कहते रह जाए तो दिमाग खराब दादू घर तार कर बोला पहला गोपू ने देखा पूरे काम में देखने गए हैं गोपू ने और मैं इतना लगा दी जोत और चिज्जी लेने गई और वैसे मेरा कुछ खाने का भी मन कौन करता पहले नोड़ती हाँ कुछ खाना है कुछ खाना है फिर दादू बोला जो तेरा मन करे खा ले फिर मैं गोलगप्पे खा खाई और तो मेरा कुछ जी कौन करा फास्ट फूड मतलब ज़्यादा तली हुई चीज दादू मन जमा भी कौन खाने देवे फिर मैं दिखाऊँ के लेकर आई छोटे बच्चे वाली चीज़ कौन मिली दादू मैंने दो तीन दुकानों पर भी लेकर गया वह भी आसन लागे बोला छोटे बच्चे वाली चीज़ खाओगे मैं बोली और मेरा जी खरे जावे छोटे बच्चे वाली मैं घरों भी नरी नरी मंगाया कर दल्या कर दिखाए जाती मान ले रहा था मैंने रोटी खा ली सुती सुती पहला दादू तो बात कर मान लिया पट दिया और कर दी तो भी मैं खाए जाया करती अरे लड्डू खातर और मेरे खातर तो बहुत नीट है दोनों खातर है ना ये लेके आए भुजिया मेरी ब्रश खत्म हो रही थी या सॉरी कोलगेट खत्म हो रही थी तो ये ले आए और एक ये लाई मैं चिज्जी और दिखाऊं जैम्स और कोई रुपए वाला हम पपड़ा करना है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे अगर वो कौन मिला फिर ये वाला ये ले करना पड़ा एक एक रुपए वाली और कोई चीज़ कौन मिली बस यही मिली है माम सब्जी खा के ना जमा वो कर गए हाँ जमा क्या करना छिक लिए रोज की रोज सब्जी बनाना खाना जमा जितर गया सब्जी ने तो आज मैं बनावांगी चटनी और ये छोटा दूध छोटे कुकर ले आया तू वो सही है वो सही है ये वापस रखा नहीं ये देखना कैसी हालत है इसकी हाँ इससे बनाएगी और दादू छोटा ले आया देखिए कितना छोटा सा
बंटी ने तो देख लिया ना, बहुत हंस गया वो लोग में इतना छोटा उल्लू भाई आ गया, खाए रोटी और पेड़ा रखा था उसके ऊपर को चूर दिया ताकि मीठा मीठा करके पूरी रोटी खा जाओगा। यू ने उसे कहा होगा अंदर को नहीं आओ, इस पर चाल कौन जाओ शायद फर्श पे, है ना भाई। ओए उल्लू भाई, उल्लू तेरे पुछी ला रहा है उल्लू भाई, बहुत एक्टिंग में आ जाए। मैं इसने पूरा भीतर रोक नु आ दिया करूँ, नहा ले गो तो पता नहीं खींच गया। हाय टिक टिक मेरा छाना बेटा, ये गा आजा आजा आजा, पीले 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 छाना भाई, ये तो ले 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 ले। उल्लू बनावा क्रंची भिंडी, पता नहीं दादू की फेवरेट है कि नहीं, सब्जी खातर कौन दे रहा मैंने, बाकी खा लेगा वो क्योंकि उसने मेरी सब्जी बहुत पसंद है। तो चला गया खाना खा के, अब मेरी बारी है खाना खाने की। मेरा एक जी कर गया तो मैंने एक भिंडी का परांठा बना लिया, मंजा दा करा करा से पसंद है। खा ली हमने रोटी, आज मैंने सोचू थी बुधवार है, मंगलवार ने तो कपड़े धो कौन सके, तो फिर मैं कपड़े धो लूँ, जितने सारे हो रहे हैं कपड़े, एक चादर हो रही है क्योंकि मैं उस दिन बताऊँ थी दादू ने लस्सी पिंडाती थी, तो मैंने सोचा कि वाह चादर भी धो दें तो कपड़े धो दें, और साथ में क्लास चला दूँ करंट अफेयर की, सुने जाऊँगी क्वेश्चंस वगैरह, क्योंकि उसमें राइट डाउन करने का तो कुछ होता वो नहीं, तो साथ ही साथ एक तीर से दो निशाने का काम कर दें। तो चलो भाई जुट जावा, कान में लगाए रखे हुआ ऑर्डर फोन दर दूँगी, चले जाऊँगी वीडियो बनाऊंगा। चलना भाई आप ऊपर की कहना कि कपड़े उतारने खाते, मेरा जो मौजू खाम हो रहा है कुछ, मैं उस पूछो मत कुछ। हाथ का व्यू, ये हमारे कपड़े सुकन लग रहे हैं इधर, तो देखो कितनी रेड नु क्या करें, रेड आ रही है यानी कि भेड़ा का झुंड, थोड़ी बकरी भी हैं बहुत ज़्यादा वेड है। ये पीछे का एरिया जमा खाली पड़ा, मेरी आवाज़ तो लगता होगा जुकाम हो रहा है, आड़े खेत की बाई चलन लग रही है, व्यू बहुत अच्छा है ना। ओ कैमरे गांव का व्यू हो गया नुन्ने। लो भाई मैं दे मांग रही हूं पौधा, मैं पानी कूलर कलर में पानी डाल दिया है, वरना शिमला मिर्च तो इस खातर मैंने आलू को उबाल दिए हैं। तो सोचो ये देखो भाई हरे भरे पौधे, वो हमारे दादा समाध की मंडी है, दादू पूजा पाजा तो कर गया, सवेरे शाम पूजा कर रहे हैं। हाँ भगवान का नाम लेना तो बहुत बहुत जरूरी है। यह हमारी स्कूटी खड़ी है, मंडक रखी है, थोड़ा थोड़ा रुक भी मार दी पानी का, तो पोछा तो आज लगाना को नहीं क्योंकि वीरवार है, वीरवार ने मैं अपने घर आदि को लगाया क्योंकि मम्मी और क्या करती, वीरवार ने पोछा को लगाया करे तो जैसे दूर भाई। आलू उबल गए अपने, मैं इनका छिलका तारूँ फिर वो पेस्ट सा बना के शिमला मिर्च क्यूकर बनाया कर वो दिखावांगे तमने। तो मैंने शिमला मिर्च खातर कर लिए, इन्हें फ्राई करूँगी टमाटर प्याज लहसुन काट के, ये थोड़ा सा मैंने बना दिया नींबू और नमक गिड़ के, चाट मेरा और लड्डू का हो गया है लहसुन तैयार। ये शिमला मिर्च जैसे पूरी हो मैंने आधी आधी काट के ये सारी चीज़ चाली, और यो है मेरा मसाला, इसने भी सारे ने इनका पेस्ट बना लूँ फिर बाद में भर के फिर ये तलूँगी। जीरा और तेज पत्ता ये तलन लग रही हूँ, बाकी सारा मसाला कर दिया है भी, अपना मसाला तैयार होने वाला है बस ये।
मैं कितना पसीना आ गया, आटा लगा दिया, गाय की रोटी सेक दी, कानू की रोटी सेक दी, ये बस है ना मसाला तैयार हो गया है। और इतना अच्छा मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा, इतना टेस्टी लगा, इतना टेस्टी पहली बार बनाया। मैंने कुकिंग का बहुत बहुत ज़्यादा शौक है भाई सच्ची में। और आए संडे आप कुछ स्पेशल बनाया करेंगे, अपने ब्लॉग में देखने मिला करेगा। तो मैंने शिमला मिर्च भरनी कर दी है स्टार्ट, पक्की एक नंबर की बनी यार सच्ची, खुआ तो को नहीं सकती बस बता सकूँ। देखो भाई भर दी है सारी शिमला मिर्च और यो मसाला बच गया है। वैसे रोटियां अगर खाऊंगी मैंने बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। मिर्च इब तलन की बारी आ गई है, मैंने तवे पे डाल दिया थोड़ा सा तेल क्योंकि इनकी तलना कढ़ाई है, मैं तो वैसे सीधी सी बात है तले ही पहुँचा हुआ तो ई बिनती पूरा रखें तल दूंगी मैं। फिर रेडी अपनी शिमला मिर्च रेसिपी। अच रख दी है मैंने सारी की सारी शिमला, मंदे मंदे आज गई है और भी तले जाऊँगी। किस किस के मुंह में पानी आया कमेंट करके बताइए, किस किस ने खा रखी है ये वाली शिमला मिर्च। मेरी शिमला मिर्च तैयार हुआ है तो मेरा जिक्र गया कि मसाला तो बचे रहा है, दो तीन परांठे सेक लूँ मसाला भर के तो शिमला मिर्च रेडी हो जाएगी। मैं मसाला भर के सेक लूँ परांठा। कर दी है अपनी शिमला मिर्च ओ की है जमा तैयार, ही अपना सिका है परांठा फिर खावांगे। क्या है खाना जमा कति मजा आ गया सच बताऊँ, बहुत मज़ा आ गया, इतनी स्वाद लगी। मैंने दो शिमला खा गई मैं बड़ी बड़ी वाली और तीन परांठे जमा पेट फुल हो गया मेरा, इतने स्वाद लागे, इतने स्वाद लागे बस पूछो मत। तो यो था अपना ब्लॉग, किसा लगा लाइक कमेंट करके जरूर जरूर बता दियो, हौसला बढ़ाया करो। और भी आगे आने वाले ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा मस्त मस्त आऊँगे, रेसिपी शेयर करांगे। बाकी बे दादू ने थोड़ा सा टाइम कौन मिल पाता क्योंकि सवेरे जावे शाम ना आवे तो उस करके दादू ज़्यादा ब्लॉग में आ कौन पाता है। फिर आवे था घर जानू के लाटी के दिखाओगी मैं देख कर लागू हूँ, मतलब कि भाई थकान हो जावे और बार तहाँ तो क्या हाल हुआ अपने भी रहे तो जाते दादू भी ब्लॉग में कुनिया पाता है। तो धीरे 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 आप टाइम का शेड्यूल बनावांगे हर चीज़ का और बढ़िया बढ़िया ब्लॉग लेकर आवेंगे आपके आपके शामी। तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, ब्लॉग ने लाइक कर दी और कमेंट करके जरूर बताइए शिमला मिर्च ये वाली किस किस ने खा रखी है। बाय बाय।